श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना गुरप्रीत वड़ैच। की हाल है थोड़ा? ठीक हो सारे? अज मैं पिंड तो थोड़ा दूर एक शहर च आया, तो उत्थे बड़ा सुकून हुंदा। वैसे तुहानू तां पता ही है, इत्थे भी सुकून वाली जगह एक मैं लभ ली है। यह लेक ते बैठा, सो बहुत सारे सोहने नज़ारे हैगे ने इत्थे। तो इस दौरान कुछ मैं लिखिया भी है, थोड़े सारा नाल मैं शेयर भी करूँगा। तुसी चैनल सबसक्राइब तो किया ना, रोलिंग फ्रेम्स इंटरटेनमेंट चैनल, सो नहीं किया तो जरूर कर लो। ठीक है, आप फिर थोड़ा अलग अलग कुछ शायरी सुनावे, कुछ कवितावान सुनावे। तुम मेरिया कवितावान इन्ना प्यार दिता, अपने कमेंट्स लिख के भेज रहे हो, सो उस तय दिलो धन्यवाद। तो अज मैं थोड़ा कुछ शायरी सुनावगा। सो मैं एक एक करके सुनाऊंगा शेर ने अज थोड़े लिए। सो पहला शेर जो है कि मैं जज्बात लिख लैन दे, रोंदी रूह की आवाज़ लिख लैन दे, अफसाने गौंजी का दिन मुकया, चंद्री रात की औकात लिख लैन दे। दोस्तों ये ना जी गल है, यह एक रूह की गल है कि किदा वह लिखण लई कहिंदी आ आपां नूं। ते कवि दे हत्थ विच कविता जदों एक कलम दे रूप चों निकलदी है ना, तो वह ये चीज़ा बोलती है ना। तो वो चीज़ ये आई है कि मैं जज्बात लिख लैन दे, रोंदी रूह की आवाज़ लिख लैन दे, अफसाने गौंजी का दिन मुकया, चंद्री रात की औकात लिख लैन दे। सफ़र विच दिन ही नहीं साड़ी रात भी बदली, सफ़र विच दिन ही नहीं साड़ी रात भी बदली, तेरे इश्क ने सिर्फ मदहोश किया पर साड़ी औकात नहीं बदली। मुहब्बत मिली है रब वर्गी, फिर भी बंदे की जात नहीं बदली, नहीं ना बदली जात, चलो बदल जाएगी। ये इश्क है ही ऐसा जिसे लड़ लग गया बदल के छड़दा। अगला शेर हैगा, उस मिट्टी का किरदार लिखिया, बिच पा ली थोड़ी रेत, उस मिट्टी का मैं किरदार लिखिया, तुसी लिखिया जा किसी ने भी लिखिया, उस मिट्टी का किरदार लिखिया, बिच पा ली थोड़ी रेत, ठंडी मूर्त बन गई हीरा, ऐसा इश्क तेरे दा सेक। इश्क खुदा है बन जाता जे रब आप लिखिया होवे लेख। सही गल है ना, खुदा ने आप लिखिया होवेगा तां वो इश्क वो लेख साढ़े बन जाते हैं। अगला शेर दोस्तों इदा लिखा सीगा कि परहेज करना तुसी किदा। कई बारी जिंदगी विच इश्क जिहड़ा ना बहुत सीरीयस हो के लोग हंडाउंदे ने, तां उहदे लई चार लाइनां लिखिया होईयां ने। हस्सेओ ना, सीरीयस हो के सुनियो थोड़ी जी गलबात। ये लिखिया सीगा कि परहेज कर सज्जना दिल दियां दिलदारियां तों, परहेज कर सज्जना दिल दियां दिलदारियां तों, इश्क जिंदे नूं मार मुकावे, बंदा बच जावे लख बीमारियां तों। सच्ची गल है ना, जिन्हों इश्क लग जावे यार वो तो बीमारा नालों भी गया गुजर रहा हो जाता। अगे सीगा, इश्क मिलिया जन्मां दी सताई नूं, इश्क मिलिया जन्मा दी सताई नूं, जिवें हाण मिलिया सदियां दी जाई नूं, कहिंदी दिला दलगीर ना होवी, मसा मिली हाँ अपनी खुदाई नूं। किन्ना सोहना दोस्तों, ये देखो किन्ने जज्बात सोहने ने। इश्क मिलिया जन्मा दी सताई नूं, जिवें हाण मिलिया सदियां दी जाई नूं, कहिंदी दिला दलगीर ना होवी, मसा मिली हाँ अपनी खुदाई नूं। सो दोस्तों कई लोगों लई नहीं, ये होना भी इदां ही चाहिए। इश्क उस मालिक का रस्ता है, वह ना है, वह रूप है, सो सानू उद तक वह पहुँचा दिंदा जे असी दिलों करांगे। कईयां दी हालत बड़ी बुरी हो जाती है जदों उन्हूं लभदिआं लभदिआं हालात बहुत बदतर हो जाते हैं, तो उस दे जज्बात नूं देखदे हुए कुछ लाइना मेरे जहन च आईयां सीगियां, तो मैं उस वेले लिख लियां कि मैं अपने दोस्तों नाल शेयर करूँगा। अगला शेर तुहाडी नज़र करदा, यह जदों हालत बड़ी तरसयोग हो जाती है, जो बंदा आशक के किरदार विच आउंदा, चाहे वह मालिक होवे, परमात्मा होवे, जां कोई इंसानी बना होवे। सो हालत किदां दी हो जाती है, यह हालत तरसयोग, रूह नूं कैसा बजोग, दुख हिरदे दा मेरा, दुख हिरदे दा मेरा, लगे तेरे दिल दा रोग,
ਤੁਰਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸੋਗ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ? ਆਉਣਗੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੂਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜੀਆਂ, ਛੱਲਾਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਮਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜੀਆਂ, ਛੱਲਾਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਮਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੜੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਕਿੱਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੇਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਿੰਗ ਫਰੇਮਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।